हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई एक्सप्रेस, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर एम्बिशन। दिस इज करण मिश्रा, योर गुरुजी, बनाएगा सब कुछ इजी। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। ये उन नंबर्स पे एप्लीकेबल है जिनके लास्ट के डिजिट का सम 10 होता है। इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। जाने से पहले लाइक करना वीडियोस को, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलना, और साथ में यहाँ पे जो घंटे की आइकन है इसको दबाना बिल्कुल मत भूलना। इसको दबाने से आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी, इंस्टेंटली मिल जाएगी, तो इसे दबाना मत भूलना। चलो आज हम कुछ स्पेशल केस सीखेंगे, ठीक है। आज हम स्पेशल केस क्या सीखेंगे, स्पेशल केस ये होगा यदि कोई दो नंबर है, यदि कोई दो नंबर है, ठीक है, दो नंबर है और उनका टेंस डिजिट यदि सेम है, और वंस डिजिट का सम 10 आ रहा है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करें। तुम समझ में नहीं आ रहा हो, एग्जांपल से समझ में आएगा, चलो देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 35 है, मल्टीप्लाई 35, तो गौर से देखो टेंस डिजिट का सम वंस डिजिट का सम कितना है, 5 + 5 = 10, और ये टेंस डिजिट सेम होने चाहिए, तो इसका भी कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाता है। तो समझ में आया ना, इसके लिए वंस डिजिट का सम 10 होना चाहिए और टेंस डिजिट सेम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, तो लास्ट में तुम्हें इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 × 5 = 25, तो 25 लिख दो। और इस डिजिट में क्या करना है, टेंस वाले डिजिट में 3 को 3 से ना मल्टीप्लाई करके 1 बढ़ा दो, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 हमने जोड़ दिया तो कितना बन जाएगा 4, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 4 = 12, ये तुम्हारा आंसर हो गया। नहीं समझे, हमें सबसे पहले सीखो ये रूल लगता कहाँ है। ये रूल लगता है वहां पे जहां पे वंस डिजिट का सम, जहां पे वंस डिजिट का सम 10 हो और टेंस डिजिट सिमिलर हो, मतलब सेम हो, तब ये लगता है। तो हम क्या करते हैं, वंस डिजिट का जो मल्टीप्लाई होता है वो यहाँ पे लिख देते हैं, और जो टेंस डिजिट का मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करते, एक को तो वही ले लेते हैं, दूसरे में एक जोड़ देते हैं। जैसे मान लो ये 3 था तो 1 जोड़ दिया तो 4 बन गया, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके वही लिख देते, और यही तुम्हारा आंसर होगा। अब मान लो हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 42 × 48। अब गौर से देखो 2 और 8 इन दोनों का सम कितना है, 10 है। अरे 2 और 8 इन दोनों का सम कितना है भैया, 10 है ना, तो इसमें भी ये रूल लगेगा, और टेंस डिजिट सेम भी है, इसमें भी ये रूल लगेगा। अब ये रूल लगेगा तो लगाओ, तो कैसे लगाएंगे, तो बताया था इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो वो यहाँ पे लिख दो, तो 8 × 16। अब क्या करना है, बोला था 4 को 4 से ना मल्टीप्लाई करके 1 बढ़ा दो, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 4 × 5 = 20, तो ये तुम्हारा आंसर। देखो है ना इजी, तो पढ़ाई एक्सप्रेस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ तुम्हें किस टाइप की वीडियोस चाहिए, मैथ साइंस कौन सा चैप्टर चाहिए, कौन से क्लास का चाहिए, हम उसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि जो डिमांड होगी ऑडियंस की उसी पे तो हम बनाएंगे, जो बच्चे चाहेंगे वही तो वीडियो बनेगी, ठीक है। अब मान लो हमने दूसरा कोई नंबर ले लिया, मान लो 6 1 ले लिया, इंटू 6 9 ले लिया, इस केस में भी ये लग जाएगा रूल, तो 9 1 जा। अब देखो यहाँ पे एक चीज क्या होगी, तो तुम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सम, देखो पहले ये रूल लगेगा यहाँ पे या नहीं ये सीखते हैं, तो रूल तो लगेगा कि 9 + 1 = 10 होता है, और ये डिजिट भी सेम है टेंस डिजिट, तो इसमें क्या करेंगे, 9 × 1, देखो 9 × 1 तो 9 आया, 9 × 1 = 9 आया, 6 को बोला था 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करना, यानी 6 को 7 से, यानी 42। क्या ये आंसर सही है, नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि जब भी तुम्हें मल्टीप्लाई करने के बाद यदि एक ही डिजिट आता है, देखो इसमें 2 डिजिट आया था 2 डिजिट आया है, तो उस केस में तुम डायरेक्ट नहीं लिखोगे, उस केस में तुम क्या करोगे, 9 × 1 = 9 तो 9 लिखोगे और आगे में एक जीरो लगाओगे, आगे में एक जीरो लगाओगे, और फिर 6 को 6 से नहीं 7 से 1 बढ़ा के, तो 6 से बन जाए 42, ये लिख दोगे, तो ये करेक्ट आंसर है, ये
इनकरेक्ट आंसर था। तो समझ में आ गया रूल्स कैसे लगते हैं? नहीं समझे, कोई डाउट है यहाँ तक बोलो, डाउट होगा तो वहाँ पे मेंशन कर देना, कोई दिक्कत नहीं। बार बार देखो वीडियो, एक दिन में कोई नहीं सीखता है, ना मैं ना तुम ना कोई भी, एक दिन में इंटेलिजेंट कोई नहीं बनता है। करत करत अभ्यास कर जरमत होत सुजान, ठीक है, रसड़ी आवत जात है सिर पे परत निशान, समथिंग लाइक दिस। इसका मतलब क्या है, करते करते अभ्यास जब हम करते रहेंगे तो हमें सब कुछ आएगा, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो तीन डिजिट का नंबर आ गया, मान लो ये रहा 11112 मल्टीप्लाई 118। अब गौर से देखो इसमें भी ये रूल लग सकता है कैसे, तो ये दोनों डिजिट का सम 10 है और ये डिजिट सेम है, तो अब क्या करेंगे हम इसको करने के लिए, तो क्या बताया था तुम्हें, इन दोनों का मल्टीप्लाई वाला वो यहाँ लिख दो, तो हम लिख देंगे 16, लिख दिया ना 16। अब दूसरा काम क्या करेंगे, तो मैंने क्या बोला था, जो भी यहाँ पे टेंस पे होगा, यहाँ पे दो डिजिट है तो उसको एक ज्यादा, तो 11 को 11 से ना करके 12 से करते हैं, तो 11 को 12 से करना इजी है, सिखाया था ना 11 को 12 से करने के लिए क्या करते हैं, या मान लो ये 12 हो गया 11, तो दो लिख देंगे पहले और फिर 2+1 3 लिख देंगे और फिर लास्ट का डिजिट लिख देंगे, तो ये तुम्हारा आंसर होता है। और या तुम्हें याद भी रख सकते हो 11 12 जाओ, क्योंकि बार बार जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें याद भी हो जाना चाहिए 11 12 जो होता है 132। तो ये ट्रिक्स कैसा लगा बताओ, तो इसमें देखा ना तुमने क्या बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं, और भी ट्रिक बताऊंगा, ये तो तुम्हें छोटे मोटे ट्रिक है, एक ये तो तुम्हारा छोटा मोटा ट्रिक है जो छोटे छोटे रेंजेस में अप्लाई होते हैं, रेंजेस मतलब कुछ इसका सर्टेन क्राइटेरिया वहीं पे लगता है। एक ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा लास्ट पे जो हर एक पे एप्लीकेबल होगा, हर एक मतलब कोई सा भी नंबर हो, 3 डिजिट का नंबर हो, 4 डिजिट का नंबर हो, 10 डिजिट का नंबर हो, 20 डिजिट का नंबर हो, कितने भी डिजिट का नंबर हो, बहुत ही जल्दी तुम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो विद इन सेकेंड्स, 2 सेकेंड 3 सेकेंड्स। अब ये नहीं 10 डिजिट का है तो कम से कम 4-5 सेकेंड तो लगेंगे। अब तुम बोलोगे 10 डिजिट का ये 1-2 सेकेंड में तो नहीं होगा ना, उसको लिखने में हर एक को कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो लेकिन बहुत जल्दी कर लोगे। और वो कोई और नहीं, वो हमारे वेदा से आया है, ठीक है, हमारे वेदा मतलब वैदिक मैथ का मतलब ही क्या होता है, वेद में जो मैथ्स का जिक्र है वहां से आया, और बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ये सारे वहीं से निकाला गया है, तो हम उसको भी करेंगे, ठीक है। कोई डाउट और यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट में मेंशन कर देना। चलो ये ट्रिक्स तुम्हें समझा दिया, और एक ऐसा भी ट्रिक सिखाऊंगा जिसको मान लो टेबल नहीं याद है, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो छोटे बच्चे होंगे, जैसे मान लो 4th class, 5th class, 6th class, 7th, 8th class, उनको टेबल याद नहीं होती है, उनके लिए भी दिक्कत नहीं है, उनको मैं एक ऐसा मेथड सिखाऊंगा जिसमें काउंटिंग तो सबको आती होगी, 1st class के बच्चे, इवन जब हमारे यहाँ एडमिशन भी नहीं लेते तो हम सबसे पहले बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो दो चीज़ सिखाते हैं, एक तो काउंटिंग सिखाते हैं और दूसरा क्या सिखाते हैं, दूसरा सिखाते हैं हम उसको ABCD। तो काउंटिंग यदि आता है तो भी कर सकते हो, लाइन गिनना तो आएगा ना, मैं लाइन गिन के सिखा दूंगा और बहुत जल्दी। तो एक ऐसा मेथड भी हम लोग करेंगे, लाइन मेथड, मतलब उसमें बस लाइन ड्रॉ करेंगे और गिनने के लिए बोल देंगे बच्चे को, तो बच्चे भी बहुत जल्दी, बच्चे मतलब 2nd 3rd class के बच्चे को बोल रहा हूँ, उनको बस लाइन गिनना आता ही होगा, मान लो टेबल याद नहीं है तो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताना कौन सा वीडियो पहले चाहिए, ठीक है, लाइन वाला मेथड सीखना है पहले या वैदिक मैथ से ऐसा मेथड सीखना है जो तुम्हारा बड़े से बड़े मल्टीप्लिकेशन को ईजी कर देगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।